अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। जैसे कि मेरा टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे आज का व्लॉग मेरा किस चीज़ पर है। मेरा भाई है असद, वो आज फाइनली जो है ना वो दिन आ गया है, आज वो यूके जा रहा है। और क्योंकि वो उसको पढ़ाई का उसको बहुत शौक है, उसने यहाँ पे BBA कंप्लीट किया है, MBA चल रहा था उसका, उसने सोचा कि हायर स्टडीज़ के लिए UK जाया जाए, तो वो कंप्लीट अपनी स्टडीज़ करने MBA वहाँ जा रहा है। तो आज उसकी फ़्लाइट है फाइनली, काफ़ी दिनों से ये प्रोसेस चल रहा था लेकिन मैंने सोचा जब फाइनल हो जाएगा उसके बाद मैं व्लॉग बनाऊंगी। साथ ही साथ मैं ये सेंट एंड सीक्रेट से मैंने परफ्यूम ऑर्डर किया था असद के लिए, तो ये वो लेके चला जाएगा, तो मैं सोचा फटाफट इसका रिव्यू भी कर देती हूँ। तो ये 10% ऑफ है और काफ़ी अच्छी इसकी स्मेल है, बहुत अच्छी है, तो ये एज़ अ गिफ्ट हमने उसको दिया है। काफ़ी चीज़ें हैं, आपको तो पता है जब इंसान बाहर जाता है वहाँ पे रहना होता है, हर चीज़ पूरा टोटली जो जैसे लड़कियों का जहेज़ होता है ना वैसे पूरा जहेज़ बनता है। साथ में हमने जो है ना ये केक मंगवाया था, थोड़ा सा इन्जॉयमेंट हो जाती है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। हमने केक कट किया क्योंकि बहुत लेट हो रहे थे, सारी तैयारियाँ हो गई थी, फटाफट हमने केक कट किया। रात की फ़्लाइट थी, सुबह के 6:55 की फ़्लाइट थी, तो हम लोग रात की जो है ना 2:30 बजे निकले थे, तो बस फाइनली हम पहुँच गए यहाँ पर। सब बहुत खुश थे और बहुत इमोशनल भी थे, खुशी तो है लाजमी बात है, भाई है, मम्मी पापा का बेटा है, इकलौता बेटा है, माशाल्लाह से तरक्की करे आगे बढ़े, लेकिन दुख भी इस बात का था कि वो जा रहा है, सन्नाटा हो जाएगा। तो बस चेक इन स्टार्ट हो रही थी तो हम सिर्फ रिसीव जो ना पिक्चर्स ले लेते हैं, फिर बस टाइम आ गया कि वो जाने का, तो सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, मम्मी पापा हर कोई बहुत इमोशनल, सब दुआएं दे रहे थे कि वहाँ जाना खैरियत से, सब कुछ अच्छे से करना, यहाँ तक कि पापा बहुत ज़्यादा जो है ना इमोशनल हो गए थे, सब रो रहे थे, क्योंकि लाजमी बात है भाई है बेटा है तो दुख तो होता है, लेकिन हमें खुशी बहुत है, खुशी इस बात की है कि वो बाहर पढ़ेगा तरक्की करेगा। क्योंकि अम्मी पापा अकेले हैं और मैं जो मेरी एक और बहन है, हम दोनों मैरिड हैं, बस एक मेरी एक और बहन है वो साथ है, तो हम लोग आना जाना बस रखेंगे। वो भी परेशान था, वो कहता मम्मी पापा को अकेले नहीं छोड़ना, क्योंकि वो पहले उसका तो बिल्कुल भी दिल नहीं था, क्योंकि लाजमी बात है माँ बाप हैं तो छोड़ के जाने का दिल नहीं होता, लेकिन फिर हमने बहुत समझाया कि नहीं हम लोग ख्याल रख लेंगे, तुम परेशान ना हो, तो फिर वो उसको तसल्ली हो गई। तो बस हमें बहुत खुशी है कि बस वो जाए, अल्लाह उसके अपने उसको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, उसको बहुत तरक्की मिले और वो खुश रहे, और हमें क्या चाहिए। आज का व्लॉग मेरा इतना ही था, मैं अंदर से जूम करके भी उसको देख रही हूँ क्योंकि बहुत घबराहट हो रही थी। फिर हम लोग काफ़ी देर तक वहाँ पे रुके, हम लोग जब उसका चेक इन कम्प्लीट हो गया, बोर्डिंग हो गई है, उसके बाद हम फाइनली आए हैं। अब खैरियत से वो पहुँच गया है, मैं कुछ दिन बाद ही वीडियो बना रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बस अल्लाह उसको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और वो हमेशा खुश रहे, आमीन।